हेलो भाई साहब नमस्कार, कैसे आप लोग? आप लोगों को छठ पूजा की पावन त्यौहार पे जो पर्वों जो महापर्व छठ पूजा है, आप सबों का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे, अभी मैं जो है छठ पूजा के घाट पे मैं आज विजिट कर रहा हूँ, जो कि सेक्टर 63 नोएडा चौकपुर में जो हिंदू नदी के किनारे घाट बनाया गया है। आज थोड़ा सा मैं वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ और वहाँ देख के दिखाता हूँ किस तरह का आप लोग जो है व्यवस्थाओं पे किया जा रहा है, और तो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग, चलते हम लोग घाट से भी चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेन गेट है यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे किस किस तरह व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं इस तरह से देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि शाम के टाइम में यहाँ पे भीड़ होने वाली है, और दोनों तरफ कुछ स्टॉल लगाए हुए हैं, कुछ और स्टॉल यहाँ पे लगाए जाएंगे जो कि बच्चों को खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था है, कुछ यहाँ पे खिलौने का प्रबंध यहाँ पे किया गया है, जैसा कि भी देख पा रहे होंगे हम लोग। और ये जो है एक कार्यालय यहाँ बना हुआ है, विशिष्ट जो अतिथि लोग जा रहे हैं यहाँ पे लोग बैठेंगे, और सामने देख पा रहे ये प्रशासन द्वारा ये कुछ है मुआयना किया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन के बहुत सारे जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लोग टाइम टाइम पर विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे यह छठ घाट किस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए उसके लिए लोग यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था किया गया, जिससे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये काफ़ी दूर दूर तक घाट बनाया गया है। और इसके बाद हम लोग दिखाते हैं प्रशासन द्वारा जो तमाम तरह से यहाँ जो है तैनाती यहाँ पे किए गए, टाइम टाइम पर लोग विजिट करते रहते हैं, और यहाँ का जो है घाट जो है बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से लोग अपने लोग डेकोरेशन लोग यहाँ पे किए हुए हैं। और ये देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे अभी लगे हुए हैं तैयारी, और शाम में लगभग जो शाम में 4 से 5 बजे टाइमिंग क्या रहेगा ये छठ पूजा का, किस टाइम में लोग शुरुआत करेंगे? 4:30 बजे से, तो 4 से 4:30 बजे लोग यहाँ पे विजिट करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, सर बताइए किस तरह से आप लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए? यहाँ पे व्यवस्था यहाँ सारे हैं, यहाँ ब्रैकेटिंग की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, टेंट वाले हैं, डीजे वाले हैं, छठ घाट में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये हर एक बार की तो तरह से इस बार जो है कुछ मतलब तैयारी कुछ बेहतर विशेष है, और हर एक साल जो हुआ है उससे मैंने थोड़ा अच्छा व्यवस्था है इस बार, बेहतर व्यवस्था है, बहुत बेहतर। चलो उम्मीद करते हैं सामने चेंजिंग रूम भी बना दिया गया है, पिछली बार नहीं था। अच्छा, यानी इसमें कुछ बदलाव इसमें किए हैं, यानी पहले से अपेक्षा काफी बेहतर आपको इस बार? बिल्कुल, व्यवस्था बेहतर साल से इस बार बहुत बदलाव हुआ है, इस समय संख्या भी ज्यादा है हमारे पास, छठ घाट पे संख्या भी बढ़ गया है। बिल्कुल, घाट भी हमारी सबसे बड़ी है, घाट देख रहे हैं कि काफी लंबी चौड़ी है, 1 किलोमीटर की हमारी घाट है, और इसमें संख्या कम से कम 10-15 हजार की संख्या में लोग रहते हैं। चलो ठीक से कम नहीं रहता। तो धन्यवाद, ये हमारे यहाँ के ये घाट के प्रमुख है यमुना शर्मा जी। सर ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था किया, घाट किस तरह से तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है। देख पा रहे यहाँ पे जो है साउंड बॉक्स वगैरह यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लोग, ये लगाए हुए हैं, और हर जो है लाइटिंग का व्यवस्था यहाँ पे करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है, और सभी लोग जो हैं अपने अपने घाट की यहाँ पे लोग अच्छे से डेकोरेशन किए हैं। ये सामने जिसका देख पा रहे हैं अपने, ये जो है ये इंडियन नदी के अपोजिट में है, जो कि आपका राहुल विहार के एरिया में पड़ता है, और ये दोनों तरफ ये है, और ये घाट भी जो जिसका कि ये समझ जी बताएं बहुत लंबी चौड़ी घाट है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर घाट बनी हुई है। और अभी मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, जैसा देख पा रहे हैं भाई साहब ये जो है अंतिम रूप यहाँ पे ले जा रहे हैं, घर की पूरी तैयारी यहाँ पे करीब करीब हो चुकी है, और आज ये पहला अर्घ जो है करीब 4 से 5 बजे यहाँ पे जहाँ पे दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सर, ये पंडाल बन रहा है, क्या बन रहा है पंडाल? ये छठ पूजा का पंडाल बने हुए, जो कि सुबह से सब यहाँ पे लगे हुए हैं सारे कार्यकर्ता लोग। ये छठ पूजा की जो घाट बनाया गया इंडियन नदी किनारे में, ये बहुत ही लंबी चौड़ी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी बनाई। इस बार ये देखें इसे ये जो चेंजिंग रूम है, पहले इसका व्यवस्था नहीं था, इस बार जो जगह जगह पर चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल बहुत ही दूर तक इसको सजाया गया है इस घाट को,
इसमें हर एक बार की अपेक्षा में काफी ज्यादा इसमें लोग आने वाले हैं। और सर बढ़िया जी, कितना आप लोग ये मतलब उत्सुक हैं इस त्योहार के लिए? बहुत ज्यादा से ज्यादा। और करीब करीब तैयारी हो चुकी सारे? हाँ हाँ, अब ये तैयार हो रहा है, अब ये अंतिम रूप यहाँ पे दिया जा रहा है। ये मतलब दोस्त हम नहीं है, अभी पेंट वेंट चल रहा है, तैयारी है, थोड़ा सोरा देखते जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, पानी के यहाँ पे जो है बिल्कुल स्वच्छ पानी की व्यवस्था किया गया है, जो कि जो भी व्रत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। आज मैंने आपको दिखाया है छठ पूजा का, ये जो हिंडन नदी का किनारे सेक्टर 63 का घाट, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग आपका काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। करता हूँ आपको छठ माई आपकी जो है हर एक मनोकामनाएं पूरी करें, जो भी सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ में इस पावन तर्क को लोग मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम लोग यहाँ पे